हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाला है RSM SSB जेई के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, उसी का अपडेटेड सिलेबस। और पिछले साल मतलब कि 2020 में RSM SSB जेई में 29 नवंबर 2020 को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे दो शिफ्ट में, वो टोटल 80 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है आज के सेशन के लिए कि आज आपके लिए एक नया ई बुक लॉन्च किया जा रहा है जो कि है ज्योग्राफी का, ठीक है। सो इस ई बुक के बारे में हम डिटेल डिस्कशन भी करने वाला है। सो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोगों को ये सेशन कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी RSM SSB जेई का सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों ने ये सेशन नहीं देखा होगा तो आप ये सेशन जाकर देख सकते हो। आने वाले डेज में काफ़ी सारे सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आपको चैनल के साथ कनेक्टेड रहना होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले देखने वाला है RSM SSB का एग्जाम पैटर्न। सो एग्जाम पैटर्न में राजस्थान जीके जो है वो 40 मार्क्स के लिए आने वाला है एंड टेक्निकल जो है वो 80 मार्क्स के लिए आने वाला है। टोटल होगा 120 मार्क्स का, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव टाइमिंग देने वाला है आप लोगों को 2 आवर्स का। अब आप इससे अंदाज़ लगा सकते हो कि आपके लिए नॉन टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 40 मार्क्स के लिए एंड 40 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ठीक है। इसलिए आप लोगों को जो नॉन टेक्निकल को है साथ ही साथ पढ़ाई करनी होगी एंड साथ ही साथ जो हम पढ़ाई करेंगे आने वाले वीडियोज़ में काफ़ी सारे वीडियोस के माध्यम से करेंगे। आने वाले डेज में आपको काफ़ी सारी ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, उसके माध्यम में हम इस 40 मार्क्स का जो है वो प्रिपरेशन करने वाला है। सो देखते हैं अब हम सबसे पहले हमारा डिटेल सिलेबस। सबसे पहले है आपका राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं एवं विरासत। मतलब कि इसमें जो बताया गया है वो है राजस्थान का हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के बारे में। सो आप कुछ 17 सब टॉपिक्स देख सकते हो, जैसे कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला की प्रमुख विशेषता है, महत्वपूर्ण किले, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियाँ, राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं प्रमुख कृतियाँ, मेले, त्यौहार, लोक संगीत, राजस्थानी संस्कृति, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण, ये सारी चीज़ें इस जो टॉपिक है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में, ये 17 टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा। सो इन 17 टॉपिक्स पे आप लोगों को इंडिविजुअल सेशन जो है वो आने वाले डेज में प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। तो भूगोल में हमें पूछा जाने वाला है संस्थिति एवं विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग जिसमें होगा मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश एंड पठारी प्रदेश। देन है अपवाहतज्ञ, मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीवन संरक्षण एंड सो ऑन। सो ऐसे ये 16 टॉपिक्स आपके सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के भूगोल से पूछे जाएंगे। सो आप देख सकते हो कि राजस्थान का ज्योग्राफी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए आज ई बुक जो है वो लॉन्च भी किया जा रहा है, ठीक है, जिसका इंट्रोडक्शन आपको आने वाले स्लाइड में दिया जाएगा, ठीक है। सो इसके भी इंडिविजुअल सेशंस आपको आने वाले डेज में प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि थरली आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब कि राजस्थान का पॉलिटी, जिसमें आता है राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये सारी चीज़ें आती है। सो इसके भी आप लोगों को सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ ई बुक्स एंड कुछ सेशंस राजस्थान के बारे में ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। कुछ ई बुक्स जो है वो एप्लीकेशन पे प्रोवाइडेड है, आप वो ई बुक्स को भी गो थ्रू कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया है, लेकिन फिर भी आने वाले डेज में आप लोगों के सिलेबस के अनुसार आप लोगों को सेशंस दिए जाएंगे ताकि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर हो। आप लोगों को प्रिपरेशन इस तरह करना है कि जो भी आप लोगों को ई बुक्स प्रोवाइड किए जा रही है, जो भी सेशंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं, वो आप लोगों को उसे फॉलो करना होगा। साथ ही साथ आप लोग अगर एक डेली एक प्रैक्टिस मॉक देते हो तो वो काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों के लिए, जिससे आप एनालाइज कर पाओगे कि आप लोगों का प्रिपरेशन किस तरह चल रहा है और कितनी चीज़ें आप लोगों को याद आती है, और जो भी नई चीज़ें आप लोगों को पता चलती है डेली मॉक देने से, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। साथ ही साथ आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलने वाले हैं, जो भी ई बुक्स में आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, उसके साथ आपको वो भी फॉलो करना होगा, ठीक है। सो ये था हमारा सिलेबस और आप लोगों को किस तरह प्रिपरेशन करना है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो आप लोगों ने अभी देखा होगा सिलेबस में कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछी जाएगी। सो इसमें ज्योग्राफी का सोल्यूशन जो है वो आप लोगों का हो चुका है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक न्यू ई बुक लॉन्च की है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की। ठीक है, ये ई बुक जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें क्या क्या चीज़ें कवरअप की गई है ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये है हमारा ई बुक का इंडेक्स। इसमें जो टॉपिक्स हमने कवरअप किए, सबसे पहले आता है फिजिकल फीचर। इसमें है कवर किया गया ओरिजिन एंड एवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, लोकेशन एंड एक्सपांशन जिसमें आता है लॉन्जिट्यूड एंड लैटीट्यूड। उसी के बाद आता है एलाबोरेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान बाउंड्री, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, रिलीफ ऑफ राजस्थान जिसमें सब आता है माउंटेन पीक ऑफ राजस्थान, प्लेटो ऑफ राजस्थान, डेजर्ट, प्लेन। देन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल फीचर का, जो कि है फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान एंड उसके सब टॉपिक्स भी दिए हुए। एंड इस फिजिकल फीचर पे फिर वन लाइनर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। सो आप देख सकते हो कि फिजिकल फीचर इस टॉपिक को किस तरह बाइफरगेट किया हुआ है एंड किस तरह हम लोगों ने आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है क्लाइमेट एंड सीजन। उसी में टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कोपेन। सो क्लाइमेट एंड सीजन में जो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है वो बताया गया है एंड देन कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है वो भी बताया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉइल। उसमें आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, एंड उसी के बाद आता है न्यू कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, वो भी इसमें बताया गया है। एंड उसके बाद इन दोनों टॉपिक्स पे वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेक्स एंड रिवर। उसमें आता है टाइप्स ऑफ लेक एंड उसी में आता है सॉल्ट वाटर लेक एंड स्वीट वाटर लेक एंड उसके भी और टाइप्स जो है वो भी एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद आता है ड्रेनेज सिस्टम, उसी के सब टॉपिक आप देख सकते हो। एंड देन आता है लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज रिवर एंड इस लेक्स एंड रिवर टॉपिक पे फिर वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट उसके बाद का टॉपिक है फॉरेस्ट रिसोर्सेस। उसमें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आता है, सब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के भी जो सब टाइप्स आते हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। देन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेस्ट कवर इन राजस्थान, उसी के बाद उसका बाइफरगेशन बताया गया है। एंड 2021 के रिपोर्ट जो आई थी वो रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों को इस सेशन में प्रोवाइड किए, क्योंकि इस पे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देन नेशनल पार्क कौन से है, कहाँ एस्टैब्लिश हुए, वो सारी चीज़ें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है टोटल, कहाँ पर एस्टैब्लिश है, कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें बताई गई है। कंजर्वेशन रिजर्व इन राजस्थान, जू एंड उसी के बारे में कंप्लीट वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए। लास्ट टॉपिक है मिनरल का, एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा एंड उसके बाद उसके वन लाइनर क्वेश्चंस दिए गए हैं। एंड लास्ट में आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए, 60+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप लोगों को ये कंप्लीट ज्योग्राफी पे आप लोगों को प्रोवाइड किए गए। सो ऑल इन ऑल आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ज्योग्राफी के वो सारे इसमें कवरअप किए गए हैं। उसी के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी कवरअप किया गया है। अगर आप इस ई बुक का प्रीव्यू देखते हो तो कुछ इस तरह आप लोगों को हम लोगों ने इस नोट्स को प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हो कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्म है, कुछ कलरफुल नोट्स है, आप लोगों को कुछ मैप्स नज़र आएंगे, कुछ फिगर्स नज़र आएंगी, कुछ डायग्राम्स नज़र आएंगी। आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन इस बुक में मिलेगा वो कुछ इस तरह। आप लोगों को मैंने दो स्लाइड्स बताई और उस दो स्लाइड्स में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह हमारा जो है इस ई बुक का प्रेजेंटेशन होने वाला है। एकदम कॉन्साइज थियरी है, इसमें आपको जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया है और इतना सिस्टमैटिक किया है कि आप जब भी इस ई बुक को खोलो तो आप डेफिनेटली आपको पढ़ाई करने का मन होगा, आपको जो भी चीज़ें वो बहुत ईजीली समझ आएगी। एंड ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि आप लोगों का पढ़ाई में मन लगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इजीली समझो, इजीली ग्रास्प कर सको, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस ई बुक को जो है फ्रेम किया गया है। सो आप इस दो स्लाइड से नज़रअंदाज देख सकते हो कि किस तरह इस ई बुक को प्रेजेंट किया गया है। सो काफ़ी सारी चीज़ें और भी इसमें कवरअप की गई है, जो तो आपको जब आप ई बुक परचेस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह इस ई बुक में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस तरह प्रेजेंटेशन है और क्यों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे परचेस करोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ज्योग्राफी का प्रिपरेशन करना है राजस्थान का तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट ई बुक रहेगी, जो कि आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करा देगी। एंड इसी के साथ 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 आने वाले डेज में ज्योग्राफी के जब मैं सेशंस प्रोवाइड करूंगी, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के फॉर्म में लेकर आऊंगी, अगर आप इस ई बुक के पढ़कर रहोगे तो डेफिनेटली आप आने वाले सेशंस के आंसर आप खुद कर पाओगे। ठीक है, सो ये था हमारा ई बुक का प्रीव्यू। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आई होगी तो आपको इसको किस तरह परचेस करना है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको क्या करना होगा, कोचिफाई का एप्लीकेशन आप लोग के पास नहीं होगा तो आपको लोगों को प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद बेसिक डिटेल्स के साथ इसे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल के टैब पर जाना होगा। स्टडी मटेरियल का टैब होने के बाद वहाँ पर ई बुक का सेक्शन ओपन होगा, उसमें सबसे ऊपर इस ई बुक को रखा गया है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का। ठीक है, उस ई बुक को आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में आप लोगों के लिए ये ई बुक प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें काफ़ी सारा डेटा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, वन लाइनर क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और वो भी उसका प्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने देखा है कि किस तरह प्रेजेंटेशन किया हुआ है। इस तरह प्रेजेंटेशन आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को कहीं पर मिला होगा, और आप जब परचेस करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को ये रियलाइज़ होगा। ठीक है, सो ये बुक आप लोगों के लिए परफेक्ट है। अगर आप ज्योग्राफी का राजस्थान पढ़ना चाहते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि ये ई बुक आप लोगों के लिए इतना टाइम लेके जो बनाई गई है ये बहुत ही अच्छी ई बुक है। ठीक है, सो आप लोगों को प्रोसेस मैंने बता दिया कि आप लोगों को किस तरह लेना है। आप लोगों को इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ सो दैट आप इजीली इसे जा सको और परचेस कर सको। ठीक है, सो ये था हमारा डिटेल इंट्रोडक्शन अबाउट ज्योग्राफी का ई बुक। आने वाले कुछ ही डेज में आप लोगों को एक हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का ई बुक भी नजर आएगा एंड पॉलिटी का नजर आएगा, ताकि आप लोगों का कंप्लीट जो सिलेबस है वो इन 2 या 3 ई बुक से हो जाए। एंड उसके बाद आप लोगों को डेली बेसिस पे जो है वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है आपकी एग्ज़ाम तक हो जाए। आप लोगों की जो एग्ज़ाम है उसका टेंटेटिव मंथ जो बताया गया है वो मई मंथ बताया गया है। सो उसके हिसाब से अभी हमारे पास 2 मंथ कंप्लीट है, अप्रैल एंड मार्च। तो ये 2 मंथ्स में आप लोगों को सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स भी आप लोगों को मैं दूंगी, जिसके माध्यम से आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो एंड आप लोगों का डेफिनेटली आने वाले एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि RSM SSB JEE में प्रीवियस ईयर में दैट इज 29 नवंबर 2020 को किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप देख सकते हो 2 शिफ्ट में पूछा गया था। 10 से 12 का एक शिफ्ट था जिसमें 40 क्वेश्चन आए थे, 3 से 5 का शिफ्ट था जिसमें 40 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे कुछ 80 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन से आप एनालाइज कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जामिनेशन में। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सबसे पहला सवाल। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, वेयर वॉज द फॉर्मेशन ऑफ भरतपुर प्रजामंडल अनाउंस्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवाड़ी। सो भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी ये पूछा गया था। आंसर हो जाएगा इसका रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव गॉट एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी स्टाइल। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जिसमें बर्ड्स एंड एनिमल को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है, वो है बूंदी स्टाइल। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ म्यूटिनीज इन राजपूताना। आंसर हो जाएगा IT प्रिचार्ड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक कौन है ये पूछा गया है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अजमेर सिटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय राजा। जो थे वो अजमेर सिटी के फाउंडर थे। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने अजमेर को 1113 AD में इसे फाउंड किया था। उन्होंने अजमेर फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया था एंड उन्होंने सिल्वर कॉइन को स्टार्ट किया था विद द नेम ऑफ श्री अजय देव। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच प्लेस इज फेमस ऑफ राजस्थान फॉर थेवा आर्ट ऑफ एनामलिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़। सो प्रतापगढ़ जो है वो थेवा आर्ट के लिए काफ़ी फेमस है राजस्थान में, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज जसवंतथाड़ा लोकेटेड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जोधपुर। सो जसवंतथाड़ा जो है वो जोधपुर में है। ये एक सीनोटाफ है जो कि जोधपुर में है एंड इसको बिल्ड किया गया था महाराजा सरदार सिंह द्वारा 1899 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु कॉइन द वर्ड राजपूताना फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर राजस्थान। सो राजपूताना इस शब्द को पहली बार किसने गढ़ा था। आंसर हो जाएगा मेटकाल्फ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी अगर ये वर्ड को पूछा गया तो आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, अभी यहाँ पे पूछा गया था हमें राजपूताना। सो मेटकाल्फ जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इस शब्द को गढ़ा था। ओके, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट वॉज गिवन टू सागर मलगोपा ऑन चार्जेस ऑफ ट्रीजन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 ईयर्स। सो राजद्रोह के आरोप में 6 साल की कठोर कारावास सागरमल गोपाल जी को दिया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीवर। सो सीवर में जो है नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर जो है वो सिचुएटेड है, जो कि भरतपुर में आता है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following wind are termed as loo? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्राई विंड्स ब्लोइंग सच एज स्टैंड स्टोम। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि किसे लू कहा जा सकता है, कौन सी टर्म होगी जिसे लू कहा जाएगा। सो आंसर हो जाएगा ड्राई विंड्स ब्लोइंग सच एज सैंड स्टोम, मतलब कि जैसे जो रेत का तूफान होता है उसमें जो चलती है शुष्क हवाएं, उसे कहा जाता है लू। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12, झालावाड़ एंड कोटा इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, रिमेन्स ऑफ गिलोन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एरा? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गिलोन सभ्यता के अवशेष किस युग के है। सो आंसर हो जाएगा इसका कॉपर स्टोन एरा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच महाराणा The last incident of Sati with the ruler is found? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वरूप सिंह। सो किस राजा के शासनकाल में सती का लास्ट इंसिडेंट पाया गया था, ये पूछा जा रहा है। सो महाराणा स्वरूप सिंह जो थे उनके शासनकाल में सती का लास्ट इंसिडेंट पाया गया। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक शोक शतक? सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बाला बख्श जो थे वो इस बुक के ऑथर थे, शोक शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ख्यात इज रिकॉग्नाइज्ड एज मोस्ट प्रॉफिटेबल इन हिस्ट्री राइटिंग ऑफ बीकानेर? सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बीकानेर के इतिहास लेखन में किस ख्यात को सर्वाधिक लाभदायक माना गया है। सो वो है दायल दास खयात। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन, शाहपुरा, सीथल, खेड़ापा were 4 main center of which sect in 18th century in Rajasthan? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामस्नेही सेक्ट। सो 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेन, शाहपुरा, सीतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे, तो वो थे रामस्नेही के। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन चंबाल घाटी प्रोजेक्ट द फॉलोइंग डैम इज इन मध्य प्रदेश? सो चंबाल घाटी प्रोजेक्ट में इनमें से कौन सा डैम है जो कि मध्य प्रदेश से है, वो है गांधी सागर डैम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राणा प्रताप सागर डैम जो है वो भी राजस्थान से बिलोंग करता है, जवाहर सागर डैम भी एंड कोटा बैरेज भी। सो बाकी सारे रिमेनिंग राजस्थान से बिलोंग करता है, लेकिन चंबाल घाटी में गांधी सागर डैम जो है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राणा कुंभा बिल्ड अ 9 स्टोरी कीर्ति स्तंभा एंड डेडिकेट इट टू विच वर्शिप गॉड? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए विष्णु। सो राणा कुंभा ने 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया, तो उन्होंने इसको किस भगवान को समर्पित किया, ये पूछा गया, तो उन्होंने विष्णु जी को इसे समर्पित किया। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? सो तरुण भारत संघ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन से फील्ड के लिए काम करता है, तो वो करता है वाटर कंजर्वेशन के लिए। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ राजस्थान इज नोन एज उपरमल? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर, टोंक एंड भिलवाड़ा। सो राजस्थान का किस क्षेत्र को उपरमल के रूप में जाना जाता है, तो वो है अजमेर, टोंक एंड भिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने इसकी शुरुआत की थी। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 1974-75 में इसे लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव ये था इम्प्रूविंग द यूटिलाइजेशन ऑफ क्रिएटेड इरिगेशन पोटेंशियल, मतलब कि सिंचाई की क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए इसे शुरू किया गया था 1974-75 में। और इसे किसने स्टार्ट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताल छापर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो ताल छापर जो है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंडिंग पॉइंट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाड़मेर। सो इंदिरा गांधी कैनाल का जो एंडिंग पॉइंट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ये हमें पूछा गया, सो वो है बाड़मेर में। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो भी ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए एग्जामिनेशन में उन सब के बारे में आपको जो रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को जो अभी ई बुक लॉन्च किया हमने उसमें आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। सो अगर आप वो ई बुक को गो थ्रू करते हो तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि जो भी ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डेटा जो है वो वहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है ये हमें बताना है। सबसे पहले है कैमल जिसका ब्रीड दिया हुआ है जखराना, ठीक है, ये रॉन्ग है, कैमल का ब्रीड नहीं होता है जखराना, जखराना जो होता है वो गोट का ब्रीड होता है, सो इसलिए वो गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट है काऊ का राठी, ये करेक्ट हो जाएगा, बफेलो का मुर्राह ये भी करेक्ट हो जाएगा एंड शीप का मगरा ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहला जो है ए कैमल जखराना ये रॉन्ग मैच्ड है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ईयर 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ राजस्थान इज इन न्यूज़ फॉर मास बर्ड डेथ। सो 2019 में क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 2019 में इनमें से कौन सा ऐसा लेक है राजस्थान का जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स का डेथ साथ में हो रहा था। सो वो था सांबार लेक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांबार लेक के जो काफ़ी सारे बर्ड्स थे उनका जो है डेथ हो रहा था, मृत्यु हो रहा था काफ़ी सारा अमाउंट में, इसलिए वो न्यूज़ में था। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीड आर फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो बीड कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीकर, जोधपुर एंड बीकानेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ग्रामीण गौरव पथ योजना इन राजस्थान वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, आंसर हो जाएगा 2015-16, मतलब 2015-16 सेशन में जो है ग्रामीण गौरव पथ योजना राजस्थान में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेफरेंस ऑफ सम साइलेंट फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो कुछ एग्रीकल्चरल साइलेंट फीचर्स जो है वो दिए गए हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। सो सबसे पहला है डोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन क्रॉप, मतलब कि खाद्यान्न फसलों का प्रभुत्व, ये करेक्ट हो जाएगा। मॉनसून न्यूट्रल एग्रीकल्चर ये गलत हो जाएगा, सो मॉनसून न्यूट्रल एग्रीकल्चर नहीं होता है राजस्थान में। नेक्स्ट है हाई डिपेंडेंस ऑन ड्राई फार्मिंग, येस इट इज़ करेक्ट, ड्राई फार्मिंग पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, करेक्ट है ये। एग्जिस्टेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये भी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्ट है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोम माही। सोम जो है वो ट्रिब्यूटरी है माही रिवर का, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पेंटर ऑफ फेमस बंठनी पेंटिंग, आंसर हो जाएगा निहाल चंद, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बंठनी पेंटिंग की जो फेमस पेंटर है वो है निहाल चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच इज़ नॉट द जिप्सम प्रोड्यूसिंग एरिया, आंसर हो जाएगा डेबरी, डेबरी जो है जिप्सम प्रोड्यूसिंग एरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा On the basis of their abundant presence, match the following forest with district using codes given below. So हमें एक साइड फॉरेस्ट दिया हुआ है एंड सेकेंड साइड हमें उसका डिस्ट्रिक्ट गिवन है। So हमें बताना है कि वो फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहले बात आती है सालर फॉरेस्ट की। सालर फॉरेस्ट जो है वो अलवर में पाया जाता है, देन ढाक फॉरेस्ट जो है वो चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो सिरोही में पाया जाता है एंड राइटिक फॉरेस्ट जो है वो बांसवाड़ा में पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 4, 3, 2 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज डिड केसरी सिंह बराहत राइट 13 सौटे कपलेट्स टू मेवाड़ महाराणा? आंसर हो जाएगा डिंगल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि केसरी सिंह बराहत ने मेवाड़ महाराणा को किस भाषा में 13 दोहे लिखे थे, तो उन्होंने डिंगल भाषा में 13 दोहे लिखे थे। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट पेयर। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट पेयर को बताना है। वन साइड हमें कंजर्वेशन रिजर्व गिवन है एंड सेकेंड साइड हमें डिस्ट्रिक्ट गिवन है। सबसे पहला है गुड़ा विश्नोई। सो गुड़ा विश्नोई का जो पेयर दिया हुआ है जोधपुर वो करेक्ट है, मतलब कि वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, करेक्ट हो जाएगा। देन है बीड। बीड जो है वो झुंझुनू से बिलोंग करता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। गोगेलव पाली दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा, गोगेलव जो है वो नागौर से बिलोंग करता है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एंड लास्ट वाला हम देख लेते हैं, जोरबीड़ गढ़ेवाल जो है बीकानेर से बिलोंग करता है, ठीक है। सो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मूवमेंट टू विच द पीस एंड रूपाजी एंड कृपाजी आर रिलेटेड। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगू। सो बेगू मूवमेंट से रिलेट करते हैं रूपाजी एंड कृपाजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कुंभालगढ़ फोर्ट। सो कुंभालगढ़ फोर्ट के आर्किटेक्ट कौन थे, वो थे मंडन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हमें कुंभालगढ़ किले के वास्तुकार के बारे में पूछा गया था कि कौन उसके मुख्य वास्तुकार थे, तो वो थे मंडन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज लॉन्गेस्ट बाउंड्री विच टचेज पाकिस्तान। सो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, सो वो है जैसलमेर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 464 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो राजस्थान के साथ शेयर करता है। अगर आप लोगों को ये पूछा गया कि शॉर्टेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो वो हो जाएगा बीकानेर, वो 168 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। अगर आप ज्योग्राफी का ई बुक परचेस करते हो या फिर गो थ्रू करते हो लेने के बाद, तो मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, काफ़ी मैप्स मैंने वहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं, आपका कंप्लीट डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा अगर आप वो ई बुक को गो थ्रू करते हो तो, ठीक है। उसमें सारे किस तरह राजस्थान का बाउंड्री शेयर हुआ है, किसके साथ हुआ है, कितने किलोमीटर्स से हुआ है, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा गया था हमें कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री पाकिस्तान के साथ कौन शेयर करता है, तो वो है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु वॉज द फर्स्ट चांसलर ऑफ चेंबर ऑफ प्रिंसेस। आंसर हो जाएगा गंगा सिंह, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गंगा सिंह जो थे वो फर्स्ट चांसलर थे चेंबर ऑफ प्रिंसेस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु डिड गोरा एंड बादल प्रोटेक्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी पद्मिनी। सो गोरा और बादल को किसने प्रोटेक्ट किया, उनको रानी पद्मिनी ने प्रोटेक्ट किया था, वो राजपूत योद्धा थे, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरजीत भगत वॉज अ सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ विच ट्राइब ऑफ राजस्थान। सो सुरजीत भगत जो है वो कौन से ट्राइब के सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे, तो वो थे भील के, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरजीत भगत जो थे वो राजस्थान के भील जनजाति के सामाजिक धार्मिक सुधारक थे, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द भील रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ मोतीलाल तेजवात थ्रू द एकी मूवमेंट स्टार्ट। सो एकी आंदोलन के माध्यम से मोतीलाल तेजवत की भील संबंधी गतिविधियां कहाँ से शुरू हुई, सो वो हुई झाडोल से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ निरंजानी सेक्ट वॉज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संत हरिदास। सो निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे संत हरिदास, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान वॉज लॉन्च इन राजस्थान। आंसर हो जाएगा 2016 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को लॉन्च किया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फ्रॉम वेयर रिबेलियन वॉज स्टार्टेड इन राजस्थान। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नसीराबाद। सो राजस्थान में विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, वो हुआ था नसीराबाद से। कब स्टार्ट हुआ था? 28 मई 1857 से जो नसीराबाद है वहाँ से विद्रोह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज बीइंग फाउंडेड बाय, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 75% बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 25% बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। सो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना जो है वो 75% गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा की गई एंड 25% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा खस ग्रास ग्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर, सो राजस्थान में खस ग्रास ग्रोन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सो वो है ऑप्शन बी टोंक, सवाई माधोपुर एंड भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो हमें अभी यहाँ पे इन डिस्ट्रिक्ट को ईस्ट टू वेस्ट लगाना है। सो सबसे पहले अगर आप ईस्ट टू वेस्ट देखते हो तो आप लोगों को बूंदी की बात की जा रही है, तो बूंदी अगर आप देखते हो मैप में, इस मैप में आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर बूंदी है, ठीक है। सो सबसे पहले जो आएगा वो बूंदी आएगा, हमने मैप में देखा तो वो इस साइड में ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर बूंदी आएगा, बूंदी के बाद अजमेर, आप देख सकते हो बूंदी के बाद अजमेर डिस्ट्रिक्ट आता है, देन पाली एंड देन बाड़मेर। तो ये जो सीक्वेंस हमें ऑलरेडी गिवन है ना वो ईस्ट टू वेस्ट फॉर्म में ही गिवन है, दैट मीन्स 1 2 3 4 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बूंदी देखो उसके बाद अजमेर है, देन पाली है, देन बाड़मेर है। तो ये जो सीक्वेंस है ईस्ट टू वेस्ट ये ऑलरेडी करेक्ट है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 जो कि ऑप्शन डी में अवेलेबल है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सम ब्रीड्स आर मगरा, पुगल एंड सोनाड़ी, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिप। सो ये सारी ब्रीड्स किसकी है ये पूछा गया, मगरा, पुगल एंड सोनाड़ी, तो वो है शिप की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन राजस्थान, सो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है हमें पूछा गया है। सो वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ये कोई रीज़न नहीं है डेजर्टिफिकेशन का, इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे कॉजेज है, बाकी सारे कॉज है डेजर्टिफिकेशन के, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, ओवर प्लगिंग एंड ओवर ग्रीजिंग, ठीक है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग से कोई डेजर्टिफिकेशन नहीं होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर हैव द लीस्ट प्रोबेबिलिटी टू अकर इन राजस्थान, इनमें से कौन सा ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिसकी पॉसिबिलिटी जो है वो सबसे कम है राजस्थान में होने की। सो वो है सुनामी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एम्परर बिल्ट द फेमस टेम्पल एकलिंग जी एट उदयपुर, आंसर हो जाएगा बापा रावल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो उदयपुर में एकलिंग जी एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसकी जो निर्माण किया गया था वो बापा रावल द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज ऑल्सो नोन एज बनास कल्चर, आंसर हो जाएगा आहार कल्चर। सो इनमें से कौन सा कल्चर है जिसे कि बनास कल्चर भी कहा जाता है, तो वो है आहार कल्चर, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान हैव मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, सो राजस्थान में कहाँ पर मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो पाया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो वो है उदयपुर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इन राजस्थान डोंट हैव मोनोपोली विथ रिस्पेक्ट टू मिनरल वेल्थ इन इंडिया, सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम ये ऐसा मिनरल है जिसका राजस्थान में मोनोपोली नहीं है। बाकी सारे जो ऑप्शन है जैसे कि मार्बल, लीड एंड जिंक एंड और भी कुछ ऐसे मिनरल्स है जिसका राजस्थान में मोनोपोली पाया जाता है, ठीक है, मतलब कि वो राजस्थान में ही स्पेसिफिकली ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। सो पेट्रोलियम ऐसा नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल बी प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम मानसी बाकल प्रोजेक्ट, सो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि मानसी बाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। सो वो है उदयपुर, मतलब इस प्रोजेक्ट के थ्रू उदयपुर सिटी में जो है ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेनिफिटिंग फ्रॉम कन्वर्स एंड लिफ्ट कनाल इज, आंसर हो जाएगा कन्वर्स एंड लिफ्ट नहर से इनमें से कौन सी ऐसी जोड़ी है जिसे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, जिसके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है। सो आंसर है ऑप्शन डी, बीकानेर एंड गंगानगर। सो ये दो डिस्ट्रिक्ट है जिसको बेनिफिट होगा इस कन्वर्स एंड लिफ्ट कनाल से, ठीक है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ माउंटेन पिक ऑफ राजस्थान इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेर, जरगा, अचलगढ़, तारागढ़, ठीक है। सो सेर का जो हाइट है वो है 1592, जरगा का है 1431, अचलगढ़ का है 938 एंड तारागढ़ का है 870। सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, दैट मीन्स बड़े से छोटा। सो सबसे पहले सेर आएगा, देन जरगा आएगा, देन अचलगढ़, देन तारागढ़। और जो भी हाईएस्ट पिक माउंटेन की पिक है राजस्थान में, उसका भी चार्ट मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है उस ई बुक में। सो आप उस ई बुक से देख सकते हो कि किस तरह सिक्वेंसिंग है, कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, और वो जो सिक्वेंस है आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप पैटर्न इज फाउंड इन वेट सदर्न ईस्टर्न प्लेन एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान। सो निम्नलिखित में से कौन सी फसल पद्धति राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइस, व्हीट एंड सोयाबीन जो है वो राजस्थान में वेट सदर्न ईस्टर्न प्लेन एग्रोक्लाइमेटिक रीजन में पाया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रशाला इन बूंदी पैलेसेस इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच रूलर। सो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि बूंदी के महलों में चित्रशाला किस शासक का योगदान है। सो वो है महाराव उमेद सिंह। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राजस्थान त्रिकाल इज रिलेटेड टू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरियल्स, वाटर एंड एनिमल फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सामेड़ा इज यूज्ड एट व्हाट ओकेजन इन राजस्थान। आंसर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ मैरिज। सो मैरिज के टाइम पे ये जो रिचुअल है ये होता है सामेड़ा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच फोक हीरोज फेयर इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ रिलीजियस गुडविल। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदेव जी। सो रामदेव जी ये एक फोक हीरो है जिन्हें कंसिडर किया गया है एज अ सिंबल ऑफ रिलीजियस गुडविल। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगूरिया डांस इज फेमस अट्रैक्शन ऑफ विच फेयर ऑफ राजस्थान। आंसर हो जाएगा कैला देवी माता फेयर। सो लंगूरिया डांस जो है ये इनमें से कौन से फेयर का फेमस अट्रैक्शन है। सो कैला देवी माता फेयर के टाइम पे इस डांस फॉर्म को जो है परफॉर्म किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ चित्तौड़ ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराणा कुंभा। आंसर हो जाएगा मंडन। सो मंडन ये आर्किटेक्चर थे चित्तौड़ के ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराणा कुंभा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रियासतें एंड ठिकाने वर प्रेजेंट बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान। सो कितना रियासतें और ठिकाना जो थे वो प्रेजेंट थे यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान के पहले। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 रियासतें एंड 3 ठिकाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ राजस्थान एल्फिसोल्स ग्रुप ऑफ सॉइल इज फाउंड। सो राजस्थान के कौन से रीजन में एल्फिसोल्स ये ग्रुप ऑफ सॉइल जो पाई जाती है, तो वो है जयपुर, अलवर एंड दौसा में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट एयर प्रेशर इन द मंथ ऑफ जून इन राजस्थान इन प्रोबेबल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर। सो राजस्थान में जून माह में सबसे कम वायुदाब जिले कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो वो जैसलमेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन राजस्थान विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर बैडली अफेक्टेड बाय द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सेम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीगंगानगर एंड हनुमानगढ़। सो ये दो जो डिस्ट्रिक्ट है वो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सेम से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच पेयर इज नॉट करेक्ट मैच। कौन सी पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, ये हमें बताना है। सबसे पहले है नाल एयरपोर्ट बीकानेर, ये करेक्ट है। सूरतगढ़ एयरपोर्ट जोधपुर लिया हुआ है, ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज क्योंकि सूरतगढ़ एयरपोर्ट जो है वो गंगानगर में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। कोटा एयरपोर्ट कोटा में पाया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में पाया जाता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग पेयर जो है वो है सूरतगढ़ एयरपोर्ट जोधपुर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो यहाँ पे एक साइड रिवर है एंड सेकेंड साइड ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहले माही और उसकी ट्रिब्यूटरी दी है कमला, करेक्ट हो जाएगा। लूनी का जो ट्रिब्यूटरी दिया है वो है अनास, बट ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज अनाज जो है वो ट्रिब्यूटरी है माही रिवर का, ना कि लूनी रिवर का, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड उसके अलावा चंबल और साबरमती के लिए जो ट्रिब्यूटरीज दिए वो ऑलरेडी करेक्ट है। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच बीकानेर किंग एक्सेप्टेड सबॉर्डिनेशन ऑफ मुगल एम्परर अकबर। सो किस बीकानेर के राजा कौन थे इनमें से जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर जो थी उनकी अधीनता को स्वीकार किया था? तो वो राव कल्याणमल थे, उन्होंने मुगल एम्परर अकबर जो थे उनकी जो अधीनता थी उसे एक्सेप्ट किया था। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ राजस्थानी रामायणा। आंसर हो जाएगा समय सुंदर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो राजस्थानी रामायणा के जो ऑथर थे वो थे समय सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वेयर इज नागौरी ज्वेलरी वन। सो नागौरी जो है वो हाथ में पहनी जाती है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 14 February 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द अथॉरिटी ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भरतपुर, हु वाज अपॉइंटेड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट ऑफ भरतपुर। सो आंसर हो जाएगा एस.एन. सिप्रू। सो 14 February 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर के प्रशासन पर अधिकार कर लिया था, सो जिसे भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो कौन थे वो थे एस.एन. सिप्रू। उनको भरतपुर राज्य का एडमिनिस्ट्रेटर जो है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वो अपॉइंट हुए थे। सो एस.एन. सिप्रू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच कैंटोनमेंट वर मेजर स्पोर्ट्सवुड एंड कॉलोनल न्यूबेरी किल्ड ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नसीराबाद। सो इनमें से कौन से कैंटोनमेंट जोन में मेजर स्पोर्ट्सवुड एंड कॉलोनल न्यूबेरी की हत्या की गई थी ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857? सो वो था नसीराबाद कैंटोनमेंट जोन। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस द डेड बॉडी ऑफ महाराणा संगा वॉज क्रिमेटेड। आंसर हो जाएगा मांडलगढ़, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो मांडलगढ़ में महाराणा संगा की डेड बॉडी को जो है दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन कोटा वेर वेर द प्रोमिनेंट लीडर्स जयदयाल एंड मेहराब खान रेसिडेंट ऑफ रिस्पेक्टिवली। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 1857 के रिवॉल्यूशन के टाइम के दौरान जयदयाल एंड मेहराब खान जो है वो कहाँ के निवासी थे? सो जयदयाल जो थे वो मथुरा के थे एंड मेहराब खान जो थे वो करौली के थे। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयदयाल मथुरा एंड मेहराब जो थे वो करौली के थे। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। एक साइड हमें सेंचुरीज दिया है, सेकंड साइड हमें लोकेशन दिया हुआ है। सबसे पहले है सीता माता सेंचुरी। सो सीता माता सेंचुरी जो है वो है प्रतापगढ़ में। देन है सरीस का जो है वो अलवर में है। कैलादेव जो है वो करौली डिस्ट्रिक्ट में है एंड केवलादेव जो है वो है भरतपुर में। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अभी हमें एक साइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी है एंड एक साइड हमें डिस्ट्रिक्ट दिया है। सबसे पहले है रामगढ़ बिशधारी जो कि है बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। देन है जवाहर सागर जो कि है कोटा डिस्ट्रिक्ट में। देन है ताल छापर जो कि है चूरू में एंड वन विहार जो है वो है धौलपुर में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का बी। सो ये था हमारा आज का कंप्लीट सेशन जिसमें आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसा आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है, किस तरह आप लोगों का सिलेबस है, किस तरह हमारे सेशंस आप लोगों को आने वाले डेज में मिलने वाले हैं, कौन सा ई बुक आज हमने लॉन्च किया है। जोग्राफी का ई बुक हमने लॉन्च किया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो कवर अप हुए हैं। वो सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की एंड उसके बाद लास्ट मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जामिनेशन में वो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। सो अगर आप लोगों को ये कंप्लीट सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।